नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। जमायत एक जबरदस्त शॉपिंग सेंटर, यहां आइए और जमकर करिए खरीदारी। आपके शहर गोपीगंज बस अड्डे के पास है कुंजमायत। यहां मिलता है दैनिक प्रयोग का हर सामान, कपड़े हो चाहे जूते मिलेंगे सस्ते दाम पर, श्रृंगार हो चाहे साड़ी मिलेंगे सस्ते दाम पर। यकीन करिए, हर सामान यहाँ उचित रेट पे मिलता है। एक बार आकर तो देखिए, उचित दाम पर मिलेंगे हर सामान। तो आइए और करिए शॉपिंग कुंजमार्ट गोपीगंज बाजार। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नागरिकता संशोधन बिल पारित किया गया है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, पूरे देश के आम जनता इस नागरिकता संशोधन बिल का स्वागत कर रहा है। सिर्फ विरोधियों को छोड़ करके, जिसको राजनीतिक रोटी सेकने वाले जो विरोधी है, वह इसका अनर्गल प्रचार कर रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसी को की जन जागरण यात्रा हमारे जनपद में निकाली जा रही है, जो मंडल से लेकर के सेक्टर से लेकर के बूथ तक प्रत्येक गांव, प्रत्येक सेक्टरों, प्रत्येक नगरों को का प्रत्येक लोगों का दरवाजा खटखटा करके उन्हें नागरिकता संशोधन बिल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और यह नागरिकता किसी का नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता देने के लिए है। और यह देश के सीमावर्ती पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू और सिख ईसाई ऐसे लोग हैं, पांचजातियां, उनको नागरिकता देने के लिए है, क्योंकि उन देशों में वो अल्पसंख्यक है। और यह नागरिकता भारत अगर नहीं देगा तो विश्व के किसी भी देश में उनको कहीं शरण नहीं मिलेगा। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और यह इसका स्वागत पूरे देश की जनता कर रही है।